एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं, जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, काजू बादाम के लड्डू। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने लिए हैं आधा किलो काजू हैं और आधा किलो बादाम हैं। इनको अब हम पीस लेंगे। ये काजू को हमने पीस लिया है, इतना बारीक कर लें। और अब ऐसे ही बादामों को पीस लेंगे। और ये मम्मी मेरी हेल्प करवाने के लिए आई हुई है। मम्मी बनाएंगी हेल्प, क्या मैं हेल्प करी मम्मी की। ये मम्मी ने घी डाल लिया है, देसी घी में बनाएंगे। और ये आटा लिया है। अब कितना आटा डालेगी मम्मी वो मैं आपको दिखा दूंगी। आटा डाल रही है मम्मी। कम नहीं है ये आटा? फिर कम ही गिरेंगे, आटा गुणा नहीं गिरते। अच्छा, आटा कम डालेगी मम्मी। काजू बादाम ही डालेंगे इसमें। और पतला पतला ये देख लो। अब इसको गूंदना है ना मम्मी, लाल लाल हो जाएगा। लाल लाल कर लेंगे, ये भी लाल लाल फिर नीचे कर लेना। इसमें काजू बादाम मिला लेंगे, फिर मीठा दे लेंगे। अब मैं दिखाती हूँ लड्डू बना लेंगे। कितना गूंदना है देखिए, हमने बादामों को भी पीस लिया है, इतना इतना बारीक कर लें। यहाँ मैंने काजू बादाम पीस लिए हैं और ये मम्मी बूंद रही है आटा घी में। मम्मी से काजू बादाम में डाल देंगे। काजू बादाम में डाल देंगे। ये सारा इस कम है मिलाना है मम्मी। घना पतला तो नहीं हो गया ना, सारा सही मिल जाएगा। ना मीठा मिली पाचे ठीक हो जाएगा। अब इसमें डाल रही है मम्मी खांड। मीठा डालते नहीं हम, खांड यूज करते हैं। और खांड अच्छी होती है ना माँ? खांड अच्छी है, देसी खांड। ये भी इसको अच्छे से मिला लेंगे। और फिर ठंडा होने के बाद बर्फी काट दो और लड्डू, चाहे लड्डू बना ले। बर्फी काट दे दो, बर्फी बनावांगे। इसको मिला के और फिर ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। ये अब हमने इसमें खांड को मिक्स कर लिया है। अब इसके बनाएंगे हम लड्डू है मम्मी। लड्डू बनाने लड्डू कर दिया हमने, ओलिया ठंडा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए लड्डू बना ऐसे छोटे छोटे शेप में। ये देखिए हमने लड्डू बना दिए इस साइज के, टेस्टी बने हैं। मैंने चेक कर लिए हैं, बहुत ही यम्मी है। अगर आपको भी, जैसे कि अब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं, तो आप भी अपने घर पे बनाएं टेस्टी देसी घी के काजू बादाम के लड्डू। थैंक यू।